सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने शनिवार को ओडिशा सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी वेदांत विश्वविद्यालय की जमीन किसानों को वापस नहीं देती है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर करेंगे। दरअसल भूषण शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली वेदांता विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की जीत का जश्न मनाने के लिए पुरी जिले के गांव में किसानों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में ओडिशा हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए लगभग 6000 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्रवाई को रद्द कर दिया था। भूषण ने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को जमीन लौटाना शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसानों को उनके प्लॉट वापस मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने उस तरीके की भी निंदा की जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार ओडिशा में विभिन्न कॉरपोरेट फार्मों को खदानों साथ ही उन्होंने उस तरीके की भी निंदा की जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकारें ओडिशा में विभिन्न कॉरपोरेट फार्मों को खदानें आवंटित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खदानों का आवंटन मानदंडों को ताक पर रख कर किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रथा जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम खनिज बचेगा। भूषण ने कई उदाहरणों का हवाला दिया जहां कॉरपोरेट खनन कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।